प्रिय विद्यार्थियों, हम मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित यशोधरा काव्य से संकलित सखी वे मुझसे कहकर जाते गीत की व्याख्या पर बात कर रहे थे। तो कुछ कल हमने इसके कुछ अंश पर बात की थी, आज अगला अंश देखते हैं कि नयन उन्हें है निष्ठुर कहते, पर इनसे जो आंसू बहते, सहदय हृदय वे कैसे सहते, गए तरस ही खाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। जाए सिद्धि पावे वे सुख से, दुखी न हो इस जन के दुख से, उपालम धूम में किस मुख से, आज अधिक वे भाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। गए लौट भी वे आवेंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लावेंगे, रोते प्राण उन्हें पावेंगे, पर क्या गाते गाते सखी वे मुझसे कहकर जाते। यहाँ पर क्या गाते गाते ये है, क्या गाते गाते होना, तो आप इसको क्या गाते गाते समझे, देखते हैं व्याख्या। है कि राजकुमार सिद्धार्थ निद्रा अवस्था में अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को छोड़ कर के सिद्धि प्राप्ति के लिए वन में चले जाते हैं और संन्यास धारण कर लेते हैं। अपने पति के इस प्रकार के आचरण से यशोधरा आहत होती है। यशोधरा ने आपको तिरस्कृत अपमानित महसूस करती है, उसे लगता है कि पति ने उसे पच्ची मारक की बाधा समझ करके उस पर अविश्वास करके छोड़ दिया है। तो यशोधरा के आहत अभिमान की अभिव्यक्ति इस गीत में हुई है। चिरवियोगिनी यशोधरा के हार्दिक मनोभावों की अभिव्यक्ति जो है पंक्तियों में हुई है। यशोधरा अपने सखी से अपने हार्दिक मनोभावों की अभिव्यक्ति करते हुए कहती है कि नयन उन्हें है निष्ठुर कहते, पर इनसे जो आंसू बहते, सहदय हृदय वे कैसे सहते, गए तरस की खाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। यशोधरा अपने सखी से कहती है कि आंखें, उसकी आंखें जो है उन्हें निष्ठुर कहती है, उसके पति को निर्दय कहती है, क्रूर कहती है। कारण इसका यह है कि उसके पति उसे बिना बताए छोड़ करके चले गए, परंतु यदि वे बता करके जाते तो इन नेत्रों से जो आंसू बहते, इन नेत्रों से जो अश्रु धारा बहती, उसे क्या वह सहन कर पाते। वह दयालु हृदय, वह दयावान इस इन आंसुओं की धारा को, इस पीड़ा को कैसे सहन कर सकते थे। और शायद इसीलिए उन्होंने जो है बिना बताए चोरी चोरी घर छोड़ा है, घर छोड़ना उचित समझा है, और ऐसा करके शायद उन्होंने यशोधरा के साथ जो है उसके साथ जो है अच्छा आचरण ही किया है, क्योंकि वो सहृदय व्यक्ति है, उसके पति सहृदय व्यक्ति हैं, दयावान है, दयालु हृदय है, और वो किसी की पीड़ा और वेदना को सहन नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, इस कारण वो तरस खाते हुए, दया दिखाते हुए गृह त्याग करके, घर छोड़ करके मुझे चले गए हैं। गौतमी और यशोदा के संवाद में भी जो है गौतम या सिद्धार्थ के दयालु होने का उल्लेख मिलता है इसी रचना में, कि गौतमी यशोधरा से कहती है कि निर्दय पुरुष के पाले पढ़कर हम अबलाओं के भाग्य में रोनाएं लिखता है। इस पर यशोधरा उसे कहती है कि अरे तू उन्हें निर्दय कैसे कहती है, वह तो किसी कीट पे पंखा भी दुख नहीं देख सकते। तो
यशोदरा इसी बात को अभिव्यक्त कर रही है इसमें कि वो दयालु है, दयावान है और किसी की पीड़ाओं से सहन नहीं होती है। इसी कारण वह मुझे मेरे पिता के समय मेरे आंसुओं से बहने वाली जलधारा को सहन नहीं कर सकते थे, देख नहीं सकते थे और इसी कारण उन्होंने चुपके चुपके जो है घर छोड़ा है। पर सखी ये रही वो मुझसे कह कर के जाते तो मुझे मैं उनके पद की बाधा न बन करके सहर सुने विदा करती। आगे वो कहती कि जाए सिद्धि पावे वे सुख से, दुखी न हो इस जन के दुख से। यशोदरा की कामना करती है कि वो वन को चले गए और वन में सुख पूर्वक रहे और उन्हें कार्य की सिद्धि हो, सत्य की खोज के जिस उद्देश्य से वो गए हैं उसकी प्राप्ति हो, मोक्ष सिद्धि की प्राप्ति उन्हें हो और कभी भी इस जन यहाँ यशोदरा के लिए आए, कभी भी यशोदरा के दुख से दुखी नहीं हो, उसकी पीड़ा से व्यथित नहीं हो। उपालब्धु में किस मुख से, यशोदरा के कहते कि वो अपने पति को किस प्रकार से उलाना हो, किस प्रकार से उन पर आक्षेप लगे, वह किसी भी प्रकार से उन्हें उलाना या उपालम्ब नहीं देना चाहती है क्योंकि आज अतिक्रिय में बात वियोग की इस अवस्था में भी उसे प्रियतम अच्छे लग गए और प्रियतम के अच्छे लगने का कारण है कि उसके जो प्रियतम है वो संसार के कल्याण हेतु घर छोड़ कर भी गए, लौट भी वे आवेंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लावेंगे, रोते प्राण उन्हें पावेंगे, पर क्या गाते गाते सखी वे मुझसे कह कर जाते। आगे यशोदरा कही है कि पति वन को गए हैं, सत्य की खोज के लिए गए हैं और एक दिन वो लौट करके आएंगे और अपने साथ अनोखा अपूर्व अनोखा लाएंगे। अर्थात यशोदरा को विश्वास है कि गौतम को सिद्धि की प्राप्ति होगी और उस अपूर्व अनुपम सत्य के सत्य ज्ञान को, संसार को जन्म मरण से मुक्ति दिलाने वाले मोक्ष सिद्धि के ज्ञान को साथ लेकर के वो कैवल्य ज्ञान को लेकर के वो लौटेंगे जो अपूर्व और अनुपम होगा, अनोखा होगा। रोते प्राण उन्हें पाएंगे, उस समय मेरा दुखी हृदय उनसे क्या सहर्ष पूर्वक, मेरा दुखी हृदय क्या उनका सहर्ष पूर्वक स्वागत कर सके कि रोते प्राण कि उसका जो व्यथित हृदय है क्या वह गाते गाते उनका, गाते गाते से आशय है कि सुख पूर्वक आनंद पूर्वक उनका स्वागत करे क्योंकि वे मुझे मुझ पर अविश्वास करके चुपके से मुझे छोड़ कर के गए हैं। इस कारण उनके आगमन पर मैं सुखपूर्वक आनंद से उनका स्वागत भी नहीं कर सकता। यदि वे मुझसे कह कर के जाते तो मैं इस वेदना के बावजूद उनके आगमन पर आनंद पूर्वक सुख पूर्वक जो है उनका उत्साह के साथ उनका स्वागत करें। तो यशोदरा के उदात प्रेम की जो है अभिव्यक्ति इन पंक्तियों में हुई है कि वह अपनी पीड़ा की परवाह न करके अपने प्रियतम की इष्ट सिद्धि की कामना करती है और यशोदरा का त्यागमय नारी का जो स्वरूप है वह भी इसमें चित्रित हुआ है कि समष्टि के कल्याण के लिए आज अधिक बात है। वो कहना चाहती है कि समष्टि के कल्याण के लिए वह वियोग की वेदना को भी सहन करने के लिए तैयार है। समष्टि कल्याण के लिए अपने प्रेम को
की बलि दे देती। तो यशोदराय का जो नारी का त्यागमय त्यागशीला जो स्वरूप है, एक त्यागी नारी है यशोदरा, वो भी इसमें अभ्यक्त हुआ है। यशोदरा के परिपक्व प्रेम की अभ्यक्ति इन पंक्तियों में हुई है कि वह अपने प्रियतम के दोष को भी दोष नहीं मानती है, उसमें भी अच्छाई देखती है। खड़ी बोली का सहसरल भावानुकूल प्रयोग है और इसमें यशोदरा की का आशावादी स्वर अभ्यक्त हुआ है और उसे विश्वास है कि उसके पति को सिद्धि की प्राप्ति होगी। तो आशावादी जो स्वरूप है इसमें अभ्यक्त हुआ है। यशोदरा की मनोव्यथा भी इन पंक्तियों में चित्रित हुई है। खड़ी बोली का सहसरल भावानुकूल प्रयोग है, गीति शैली है, तुकांत का तुक का इसमें सुंदर विधान हुआ है और विप्रलंब श्रृंगार की जो है इसमें व्यंजना हुई है, सुंदर परिपाक हुआ है। आगे देखते हैं कि प्रियतम तुम श्रुति पद से आए, तुम्हें हृदय में रखकर मैंने अदर कपाट लगाए, मेरे हास विलास किंतु भाग्य तुम्हें रख पाए, दृष्टि मार्ग से निकल गए तुम रस मन भाए, प्रियतम तुम श्रुति पद से आए। यशोदरा क्या कहे और अब रहो कहीं पीछाए, मेरे निश्वास व्यर्थ यदि तुमको खींच न लाए, प्रियतम तुम श्रुति पद से आए। इसमें यशोदरा अपने सुखद काल की संयोग काल की स्मृतियों को याद करती हुई कहती है कि प्रियतम तुम श्रुति पद से आए। उसके प्रियतम का उसके जीवन में आगमन जो है वो श्रुति मार्ग से हुआ, अर्थात कान के रास्ते, श्रुति कहते हैं कान, और कान के मार्ग से आगमन से ऐसे कि उसने अपने पति के गुणों को स्मरण करके उनको अपने हृदय में स्थान दिया और अपने हृदय में उतार करके प्रियतम को अपने हृदय में उतार करके उसने अधर रूपी जो कपाट है वो बंद कर, ओट रूपी जो किवाड़ है वो बंद कर लिया ताकि प्रियतम उसके हृदय से नहीं निकल सके। प्रियतम की रूप छवि को वो हमेशा हृदय में बसाए रखना चाहती है, इसलिए उसने अधर कपाट बंद कर लिया। मेरे हास उल्लास, यशोदरा अपने संयोग काले स्मृतियों के मधुर स्मृतियों के बारे में कहती है कि संयोग काल में मेरा जीवन जो है बड़े विलास के साथ सुखपूर्वक व्यतीत हुआ, आपके साथ प्रियतम के साथ उसने जो है बड़े विनोद के साथ सुखपूर्ण जीवन व्यतीत किया, लेकिन उसका ये दुर्भाग्य है कि उसका ये हास विलास पूर्ण सुखमय जो जीवन है वह दीर्घकालिक नहीं, वो अल्पकालिक ही है और उसका भाग्य उसे दीर्घकालिक नहीं रख सकता। उसका हास विलासपूर्ण ये संयोग का सुखद काल जो वह कुछ दिनों के लिए रहा और उसके प्रियतम जो है वो दृष्टि मार्ग से निकल, आंखों के मार्ग से निकल। आगे वो कहते कि ये तुम रसमय मन भाए, कि मेरे मन को अच्छे लगने वाले मेरे आनंद के स्रोत मेरे प्रियतम, उसके प्रियतम जो है वो आंखों के रास्ते से निकल गए, कानों के रास्ते से आए थे और आंखों के रास्ते से निकल गए। आगे कहती है कि यशोदरा क्या कहे और अब रहो कहीं पीछे, यशोदरा कहती है कि वो अपने प्रियतम से क्या कहे, वो कहीं भी रहे जहां भी रहे वो सुखपूर्वक रहे और सुख से रहे। मेरे ये निश्वास व्यर्थ यदि तुमको खींच न लाए, निश्वास उच्छ्वास, परंतु वह कहती है कि प्रियतम के विरह में उसके जो उच्छ्वास है उस विरह वेदना में उसकी चलने वाली जो दीर्घ लंबी श्वासें हैं वह तब तक व्यर्थ है, वह व्यर्थ है अगर वह प्रियतम को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सके। अर्थात यशोदरा को
विश्वास है कि उसके विरह तप्त हृदय से निकलने वाली जो गर्म श्वासें हैं, जो करुण आए हैं, वह उसके पति के हृदय तक पहुँचेगी और प्रियतम जो है एक दिन अवश्य उसकी ओर आकर्षित होंगे, उससे मिलन के लिए एक दिन अवश्य आएंगे। तो इनमें जो है यशोधरा के प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है और यशोधरा के अपने प्रेम के प्रति जो पूर्ण विश्वास है उसकी अभिव्यक्ति हुई है। अधर कपाट में रूपक अलंकार है, खड़ी बोली का सहस्रल प्रयोग है, तुक का इसमें सुंदर विधान हुआ है और गीति शैली है और वियोग श्रृंगार विप्लम श्रृंगार। तो हम देखें तो यशोधरा में काव्य में गुप्त जी ने भारतीय नारी के जो अपूर्व आदर्श उज्ज्वल जीवन की एक झांकी प्रस्तुत की। भारतीय नारी का आदर्श स्वरूप इसमें चित्रित हुआ है कि भारतीय नारी अपने पति के कार्य सिद्धि की प्रेरक व सहायिका है, वह अपने पति के प्रति समर्पण भाव रखती है और अपनी पीड़ा की परवाह के स्थान पर वो प्रियतम की इष्ट सिद्धि की कामना करती है। इन बातों की व्यंजना के माध्यम से कवि ने उसके आदर्श स्वरूप को प्रस्तुत किया है और ये भारतीय प्राचीन परंपरा की ओर संकेत करता है। पर इसमें नवीनता का संकेत अपन इस रूप में मान सकते हैं कि यशोधरा को गुप्त जी ने स्वाभिमानी और मानिनी नारी के रूप में चित्रित किया। यशोधरा के प्रियतम सिद्धार्थ जब गौतम बनकर के ज्ञान प्राप्त करके लौटते हैं तो वह उनसे मिलने के लिए नहीं जाते, बल्कि वह उससे मिलने के लिए उसके कक्ष में आते हैं। चिंतनशिला उसका स्वरूप इसमें व्यक्त हुआ है। तो प्राचीनता और नवीनता का इसमें मिश्रण है। अगर इस रचना पर तात्कालिक प्रभाव की, तात्कालिक समय की प्रभाव की बात की जाए तो इसको इस रूप में देखा जा सकता है कि उस समय देश में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था और गांधी जी से गुप्त जी प्रभावित थे। गांधी जी स्वतंत्रता आंदोलन में स्त्रियों की अधिक से अधिक सहभागिता का आह्वान कर रहे थे। तो यशोधरा भी यहाँ पर समष्टि के कल्याण के लिए अपनी वेदना के आंसुओं को सहन करने के लिए तैयार, बृहत्तर प्रेम के लिए, लोक कल्याण के लिए वो अपनी पीड़ा को सहन करने के लिए तैयार है, अपने प्रेम का बलिदान करने के लिए तैयार है। और उस समय जो व्यक्तिगत प्रेम को लोक प्रेम, बृहत्तर प्रेम पर कुर्बान करने की जो एक आवश्यकता थी उसकी इसमें इस रूप में अभिव्यक्ति हुई। तो इस रूप में हम जो है समसामयिक प्रभाव इस पर देख सकते हैं। धन्यवाद।